दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर कमल कुमार फिर से हाजिर हूँ आप सभी दोस्तों के समक्ष मार्क्स ऑन प्रोडक्ट पार्ट टू लेकर। सर्टिफिकेशन मार्क्स ऑन प्रोडक्ट में हमने 10 मार्क्स या साइन के बारे में बताया था जिसका गवर्नमेंट बॉडी से लाइसेंस या सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। आज की वीडियो कुछ ऐसे साइन के बारे में बात करेंगे जो प्रोडक्ट ओनर सेल्फ सर्टिफिकेशन करने के बाद लगा सकते हैं, जैसे वेज और नॉन वेज के साइन। कुछ साइन का सर्टिफिकेशन प्राइवेट बॉडी करती है और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट पर वह साइन लगा सकते हैं, जैसे कोशर, हलाल फूड आदि के साइन। आज की वीडियो में कुछ इसी तरह के मार्क्स या चिन्ह के बारे में बात करेंगे। हाँ, अगर इस वीडियो का पार्ट वन आप में से किसी ने ना देखा हो तो उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, देखकर जानकारी हासिल जरूर करें। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं उछलते हुए खरगोश की। अक्सर ऐसे खरगोश का चिन्ह कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, पर्सनल केयर या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पर दिखाई देता है, जो यह बताता है कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले किसी भी जानवर पर टेस्ट के लिए यूज नहीं किया गया है। उद्देश्य यह है कि जानवरों को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। अक्सर इस तरह के टेस्ट बहुत कष्टदायी होते हैं तथा इन टेस्ट के कारण कई बार जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। तो एनिमल राइट्स मूवमेंट के तहत कंपनीज यह डिक्लेरेशन करती हैं। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम यानी पीजीएस। तो ये पीजीएस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन वर्ल्ड में 70 और 80 के दशक में प्रारंभ हो गया था। पीजीएस भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने की प्रक्रिया है, जिसमें पीजीएस यह निश्चित करता है कि प्रोडक्ट की उपज या निर्माण बनाए गए स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही की गई है और तभी यह पीजीएस लोगो लगाने की अनुमति भी देता है। हलाल। हलाल का लोगो सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं पर लगाया जाता है। यह लोगो यह बताता है कि प्रोडक्ट इस्लामिक लॉ की समस्त जरूरतों को पूरी करता है। हलाल का मतलब प्रोडक्ट इस्लामिक शरिया के तहत जायज है। हलाल पर मेरी एक कंप्लीट वीडियो भी आने वाली है जिसमें सिर्फ हलाल के बारे में जिक्र होगा। हलाल का लोगो लगाने की इजाजत भी कुछ प्राइवेट बॉडी देती है। ये प्राइवेट बॉडी कंपनीज में संपूर्ण चेकिंग के बाद सर्टिफाई करती हैं कि इस कंपनी में बना यह प्रोडक्ट हलाल की कैटेगरी में आता है और उस प्रोडक्ट पर हलाल का लोगो लगाने की इजाजत भी देती है। वही थर्ड पार्टी बॉडी सर्टिफिकेशन का कार्य करती है। कोशर। यह ज्यूज या यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोशर का मतलब फिट एंड प्रॉपर होता है। कोशर का सर्टिफिकेट मेनली फूड्स के लिए होता है, जो लोगों को यह दर्शाता है कि प्रोडक्ट कोशर लॉ की समस्त जरूरतों को पूरा करता है। कोशर का सर्टिफिकेशन भी थर्ड पार्टी करती है। यह थर्ड पार्टीज फूड कंपनीज में जाकर कंप्लीट चेकिंग के उपरांत कोशर का लोगो लगाने की इजाजत देती है। जैविक भारत। यह एक ऐसा लोगो है जो यह बताता है कि प्रोडक्ट संपूर्णतः ऑर्गेनिक है तथा भारत में ही निर्मित है। यह हरे वर्ग में बना ठोस हरा गोला और कत्थई रंग के वर्ग के अंदर बना ठोस कत्थई रंग का गोला एक आम चिन्ह हो गया है जो हर कोई जानता है। इससे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड की पहचान होती है। अगर किसी पैक्ड फूड पर हरे वर्ग के अंदर हरा ठोस गोला पाया जाए तो समझते हैं कि ये फूड प्रोडक्ट वेजिटेरियन फूड है, और इसके विपरीत अगर किसी फूड प्रोडक्ट पर कत्थई रंग के वर्ग में कत्थई रंग का ठोस गोला बना हो तो ये समझा जाता है कि ये नॉन वेजिटेरियन फूड है। वेगन फूड। वेगन फूड पर भी कुछ इस तरह का लोगो लगा होता है। प्रश्न ये है कि वेगन फूड है क्या। वेजिटेरियन लोग मांस मछली नहीं खाते, पर वेगन सोसाइटी के लोग मांस मछली के अलावा कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खाते जो एनिमल ओरिजिन की हो, जैसे दूध और अंडा आदि। वेगन लोग अगर ईस्ट भी किसी फूड में पड़ा हो तो नहीं खा सकते। यहाँ तक कि फूड की प्रोसेसिंग एड में अगर लेदर लगाया गया हो तो यह वस्तु भी
ये वेगन फूड सोसाइटी नहीं खाती है। तो दोस्तों ये था वेज नॉनवेज से भिन्न वेगन की परिभाषा। वेगन फूड यूरोप में बहुत प्रचलित है। इसी के साथ समाप्त करता हूं, अगली बार फिर किसी नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।